Hey everyone, this is Zainab. I'm your e-pedagogue for the subject of English. Now, we are going to start third class. Third class, Mari Gold NCERT book. Okay, so let's start the book. This is our first poem of our book. And what is the name of our poem? Good morning. Okay, good morning. So, beta, कितने बच्चों को मॉर्निंग बहुत ज़्यादा पसंद है, कितने बच्चों को सुबह सुबह उठना अच्छा लगता है? कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, सुबह सुबह स्कूल नहीं जाते हैं, कुछ बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद होता उठना सुबह सुबह, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग को इंजॉय करते हैं, है ना? चाहे वो इवनिंग हो, इवनिंग को भी अलग तरीके से इंजॉय करते हैं और आफ्टरनून को भी बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं और मॉर्निंग को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं. कुछ बच्चों की फेवरेट होती है मॉर्निंग. इवन आई लव मॉर्निंग. मुझे भी मॉर्निंग बहुत ज़्यादा पसंद है. जो वो बर्ड्स की चिरपिंग होती है और वो जो सुबह सुबह जो फ्रेश सनलाइट मिलती है ना और जो फ्रेश एयर होती है वो आपको पूरे दिन में कभी भी नहीं मिलती, सिर्फ एक्सेप्ट मॉर्निंग. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मॉर्निंग और कुछ बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है मॉर्निंग और इंजॉय करते हैं. तो अभी हमारी पोम के अंदर ऐसे ही एक बच्चा है आप ही की तरह जिसको मॉर्निंग बहुत ज़्यादा पसंद है. ठीक है, और वो मॉर्निंग के ऊपर वो कुछ लाइंस यहाँ पर बोल रहा है क्योंकि उसको मॉर्निंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए वो इस पोम को बता रहा है. ठीक है, इन राइमिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट द पोम फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. डू यू लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग? क्या आपको सुबह उठना अच्छा लगता है? See what the child in the poem feels. तो poem के अंदर देखो वो जो बच्चा है वो कैसा feel कर रहा है, वो सुबह उठकर कैसा feel कर रहा है. तो उसको इतना ज़्यादा fresh feel हो रहा है, वो bird से बातें कर रहा है और वो बहुत सारी अपनी वो bees से बातें कर रहा है और अपनी जो surroundings को इतना ज़्यादा enjoy कर रहा है. तो देखते हैं कि उस बच्चे की क्या lines हैं. Good morning. Good morning sky, good morning sun, good morning little winds that run, good morning birds, good morning trees and creeping grass and brownie bees. That means अब वो बच्चा जो है वो पहले sky को good morning बोलता है. Good morning sky and good morning sun. गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स, मतलब गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स का मतलब क्या होता है कि जो विंड होती है, विंड का मतलब होता है बहुत तेज चलती हुई हवा, लेकिन विंड यहाँ पर लिटिल विंड का मतलब होता है हल्की हल्की हवा. ठीक है, जो सुबह सुबह जो हल्की हल्की हवा जो चलती है ना एकदम फ्रेश वाली एयर, उसको कहता है वो बच्चा लिटिल विंड्स. तो गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स को भी. ठीक है, गुड मॉर्निंग बर्ड्स को भी, गुड मॉर्निंग ट्रीज को भी, और गुड मॉर्निंग किस किस को? गुड मॉर्निंग क्रीपिंग ग्रास को और गुड मॉर्निंग ब्राउनी बीज को. गुड मॉर्निंग क्रीपिंग ग्रास का मतलब क्या होता है? ऐसी ग्रास जो धीरे धीरे ऊपर ग्रो करके आती है, दैट मीन्स क्रीपिंग ग्रास इन द पोम. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड वो किसको गुड मॉर्निंग बोल रहा है? और वो बोल रहा है ब्राउनी बीज को, मतलब ब्राउन कलर की जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो, उनको भी गुड मॉर्निंग बोल रहा है. तो वो उसकी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको पहले गुड मॉर्निंग बोल रहा है बच्चा. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है. हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे? हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे? आई एम वाइड अवेक, आई एम अप नाउ टू, I'll be right out to play with you. मतलब वो बच्चा कहता है कि तुम्हें कौन बताता है कि ये दिन हो गया है, अब दिन निकल आया है और रात चली गई है. ठीक है, तुम्हें कौन बताता है कि दिन निकल आया है और रात चली गई है? अब मैं पूरी तरीके से उठ चुका हूँ और बेड पे से उठ के बैठ भी चुका हूँ. ठीक है, अब मैं बिल्कुल बेड पे से उठकर भी बैठ गया हूँ मैं, और मैं पूरी तरीके से उठ गया हूँ और अब मैं तुम्हारे पास सीधे खेलने के लिए आऊँगा. राइट, अब मैं उठकर तुम्हारे पास सीधे खेलने के लिए आऊँगा, मतलब उसके अराउंड जो सराउंडिंग्स हैं उसकी, वो उनको इंजॉय करने के लिए बोल रहा है कि मैं अब तुम लोगों के साथ खेलने के लिए भी आऊँगा. ठीक है, तो यहाँ पर गॉन अवे का मतलब होता है वेंट आउट, मतलब जा चुका. ठीक है, जा चुकी. वाइड अवेक, आई एम वाइड अवेक, दैट मीन्स कि मैं अब पूरी तरीके से उठ चुका हूँ. एंड आई एम अप नाउ टू, ठीक है, और मैं उठकर बैठ गया हूँ. यहाँ पर पोम में ये इसका मीनिंग निकलता है. आई विल बी राइट आउट टू प्ले विद यू, दैट मीन्स अब मैं तुम्हारे पास सीधे खेलने के लिए आऊंगा. राइट आउट दैट मीन्स सीधे खेलने के लिए मैं तुम्हारे पास आऊंगा. ठीक है,
तो ये बच्चा अपनी सराउंडिंग्स को इंजॉय करते हुए पहले सबको गुड मॉर्निंग बोलता है और सबसे पूछता है कि तुमको कैसे पता चल जाता है कि दिन निकल गया है और रात बिल्कुल चली गई है। अब मैं बिल्कुल उठ चुका हूँ और मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं तुम लोगों के साथ खेलने के लिए आऊंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल आवर पोम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड आवर पोम। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। नाउ वी हैव न्यू वर्ड्स आफ्टर द पोम। तो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस, लेट्स डिस्कस अबाउट द न्यू वर्ड्स। ओके, क्रीपिंग अवेक गॉन अवे। वी हैव थ्री वर्ड्स। क्रीपिंग, दैट मीन्स पोम के अंदर जो क्रीपिंग का मतलब बताया हुआ है, पोम के अंदर क्रीपिंग का मतलब है क्रीपिंग ग्रास से बताया हुआ है। ठीक है, ग्रास को इससे डिस्क्राइब किया गया है। तो क्रीपिंग ग्रास पोम के अंदर यह है, धीरे धीरे ग्रो होती हुई ग्रास। ठीक है, तो क्रीपिंग का मतलब होता है धीरे धीरे ग्रो होना पोम के अंदर। अवेक, अवेक का मतलब होता है जाग जाना, जागा हुआ। ठीक है, गॉन अवे दैट मीन्स वेंट आउट, जा चुका। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस। नाउ वी हैव एक्सरसाइज क्वेश्चंस हियर इन रीडिंग इज फन। इन दिस सेक्शन वी हैव फ्यू क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। अभी मैंने आपको पोम समझाई है, तो अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा ईजी लगने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द चाइल्ड इन द पोम हैप्पी। तो वो जो बच्चा है पोम के अंदर वो हैप्पी क्यों है? तो आंसर यहां पर है इसका, द चाइल्ड इज हैप्पी बिकॉज इट इज मॉर्निंग एंड देयरफॉर शी कैन टॉक विद द स्काई, ट्रीज, बीज एटसेट्रा। ठीक है, अब वो जो बच्चा है या बच्ची है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है कि वो बच्ची हो, वो मॉर्निंग के लिए खुश है। द चाइल्ड इज हैप्पी बिकॉज इट इज मॉर्निंग देयरफॉर शी कैन टॉक विद द स्काई, ट्रीज, बीज। तो वो बच्ची जो है वो क्यों खुश है? क्योंकि मॉर्निंग है। ठीक है, वो अपनी मॉर्निंग को एंजॉय कर रही है और वो किससे बात कर सकती है? स्काई से बात कर सकती है, स्काई से बात कर रही है, इवन उनको गुड मॉर्निंग भी विश कर रही है, ट्री से बात कर सकती है एंड बीज से, मतलब मधुमक्खियों से बात कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग। तो वो जो बच्चा है या जो बच्ची है वो किसको गुड मॉर्निंग विश कर रही है? ठीक है, द चाइल्ड सेज गुड मॉर्निंग। चाइल्ड गुड मॉर्निंग कहती है, किसको कहती है? टू द स्काई। पहले वो स्काई को गुड मॉर्निंग कहती है, सन को गुड मॉर्निंग कहती है, विंड, बर्ड्स, ट्रीज, ग्रास एंड बीज, तो वो इन सबको गुड मॉर्निंग विश करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू। अब जो चाइल्ड है वो क्या करना चाहता है, वो बच्चा जो है या बच्ची है वो क्या करना चाहती है? द चाइल्ड wants to play out in the company of sky, winds, birds, etc. ठीक है, अब वो जो चाइल्ड है वो किसके साथ खेलना चाहती है, किसकी कंपनी को एंजॉय करना चाहती है और उनके साथ खेलना चाहती है? स्काई, winds, winds मतलब हवा जो चलती है, winds, birds, etc. ठीक है, तो वो इन सारी चीजों के साथ उनकी कंपनी को एंजॉय करना चाहती है और उनके साथ खेलना चाहती है। ठीक है, let's come to the next section which is related to talk time. Now we have next section here, let's talk time. ठीक है, तो इसके अंदर हम थोड़ी सी बातें करेंगे। In the morning I say good morning, at night I say good night, a dog says bow wow, a cow says mow mow. ठीक है, तो morning के अंदर आप क्या कैसे विश करते हो सबको? अपनी मम्मी को और अपने पापा को, या अपने सिबलिंग्स को, अपने टीचर्स को, या अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपकी सराउंडिंग में लोग होते हैं, आप उनको क्या विश करते हो? आप उनको गुड मॉर्निंग बोलते हो। बट ऑन द अदर हैंड, जब आप रात को सोने जा रहे होते हो तो आप क्या बोलते हो रात को? गुड नाइट। ठीक है, तो आप उनको गुड नाइट बोलते हो। अच्छा, अ डॉग सेज, और जो डॉग होता है वो कैसे गुड मॉर्निंग को विश करेगा, या फिर अपनी लैंग्वेज में वो कैसे बोलेगा? बाओ वाओ। और जो काओ है वो कैसे बोलेगी? मोमो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग साउंड होते हैं जो वो अपनी लैंग्वेज में विश करते हैं। ठीक है, हम उनको नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, बट वो उनकी लैंग्वेज होती है। ओके,
तो इसके अंदर ये था कि आप अपनी लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग को अलग अलग तरीके से यूज करते हो, जैसे कि एनिमल्स की अलग लैंग्वेज होती है, या हो सकता है जो भी आपकी मदर टंग है किसी और बच्चे की मदर टंग कुछ और हो सकती है, तो वो अपनी लैंग्वेज में अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग विश करेगा, राइट? तो ये हमारा क्वेश्चन था. से गुड मॉर्निंग इन योर ओन लैंग्वेज टू योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर. ठीक है, सो ऑल यू हैव टू डू दैट, आपको गुड मॉर्निंग विश करना है अपनी लैंग्वेज में. तो आपकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, आपकी लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, या कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है. तो आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर अपने फ्रेंड्स को और अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग विश करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो आप इस तरीके से गुड मॉर्निंग विश कर सकते हो, सुप्रभात. ठीक है, इंग्लिश है तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, या फिर आपकी कोई और भी अदर लैंग्वेज है तो आप अपने लैंग्वेज के अंदर अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने टीचर को गुड मॉर्निंग विश करिए, राइट? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू विश देम व्हेन यू लीव स्कूल इन द इवनिंग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चों का स्कूल जो होता है वो नून में ख़त्म हो जाता है, बट कुछ बच्चों का स्कूल जो होता है वो इवनिंग में ख़त्म होता है. तो जब आप लोग इवनिंग के अंदर स्कूल छोड़ोगे, स्कूल से लीव करोगे, तो देन आप उनको कैसे विश करोगे, अपने टीचर्स को या अपने फ्रेंड्स को कैसे विश करोगे? जब आप स्कूल छोड़ोगे इवनिंग में, तो आप बोल सकते हो गुड इवनिंग बोल सकते हो, या बाय बाय बोल सकते हो, है ना? सो देर आर सो मेनी वर्ड्स यू कैन यूज लिविंग दिस वाइल लिविंग दिस स्कूल, राइट? Let's come to our next section. This is done here. Our next section is related to word building. So, iske andar dekhte hain. Let's say aloud. Find words in the poem which rhyme with beast. So, you have to find the words in the poem. तो आपको poem के अंदर ऐसे words find करने हैं जो आपको question के अंदर दे रखे हैं उसके rhyming word होने चाहिए. जो question के अंदर आपको words दे रखे हैं उसके rhyming words आपको find करने हैं poem के अंदर. Exactly. लाइक बीस का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? ट्रीज, डे, अवे, टू, यू. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन इसके राइम इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स ये थे. बीस का राइमिंग वर्ड हो जाता है ट्रीज, डे का राइमिंग वर्ड हो जाता है अवेक, टू का राइमिंग वर्ड हो जाता है यू. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do you see around you during the day and at night? Draw in the boxes given below and color the picture. So all you have to do in this question, अब आपको ये find out करना है, आप दिन के अंदर, दिन में आप अपनी surroundings में क्या क्या चीजें notice करते हो, और रात जब हो जाती है तो आप अपनी surroundings में क्या क्या चीजें notice करते हो. ठीक है, दिन में आप देखते हो, जब दिन निकलता है तो sun निकलता है, और बर्ड्स होते हैं आपके चारों तरफ, और सनलाइट होती है ना आपके अराउंड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. लोग जो होते हैं वो अपने कामों में बिजी होते हैं, कोई सो नहीं रहा होता, ये सारी चीज़ें आप नोटिस करते हो ना. और एट नाइट आप देखते हो कि पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, मून निकल रहा होता है, स्टार्स होते हैं, है ना, एवरीबडी स्लीपिंग. ठीक है, तो आप ये चीज़ें नोटिस करते हो, बट आपको ऐसी चीज़ें बतानी है जो आपको डे के अंदर जो आप देखते हो और जो आप नाइट के अंदर देखते हो. तो डे के अंदर हम दो चीज़ें दिखते थे, एक तो हम सन डे के अंदर देखते हैं. डे के अंदर हम क्या नोटिस करते हैं? सन देखते हैं, डे के अंदर हमें सन दिखता है और बर्ड्स दिखती हैं ना, राइट? एंड ऑन दी अदर हैंड, रात को आप क्या क्या चीज़ें देखते हो? मून एंड स्टार्स. ठीक है, अब आपने नेम आपने सोच लिया, तो आपको यहाँ पर अभी लिखना नहीं है, वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है. आपको यहाँ पर क्या करना है, सन और बर्ड्स की यहाँ पर आपको पिक्चर बनानी है. ठीक है, लाइक दिस, यहाँ पर डे के टाइम पर हमने सन और बर्ड की यहाँ पर पिक्चर बना दी. ऑन दी अदर हैंड, रात को आप क्या देखते हो? मून, स्टार्स. तो आप यहाँ पर मून और स्टार्स की इस तरीके से आप पिक्चर बनाओगे. ठीक है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज करो और एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर बना के दिखाओ. ओके, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विद न्यू स्लाइड. राइट टू वर्ड्स ईच फ्रॉम द टू पिक्चर्स यू हैव ड्रॉन. ठीक है, तो आप एक से ज्यादा पिक्चर्स भी यहाँ पर बना सकते हो, जैसे कि सन और बर्ड मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है. आप और भी चीजें बना सकते हो, लाइक आप काइट्स भी आप दिन में देखते हो ना, तो आप वो भी लिख सकते हो यहाँ पर. नाइट में और आप क्या देखते हो?
ठीक है, स्टार्स और मून के अलावा लाइट्स आपको देखने को मिलती है नाइट के अंदर, तो आप उनकी भी पिक्चर्स बना सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको करना क्या है, ऐसे दो वर्ड्स जो आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर, जो दो पिक्चर्स आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर बनाई है, क्वेश्चन के अंदर आपको आपने बनाई है, जो भी आपने ड्रॉ किया, आपको यहाँ पर लिखना है। जो डे में आपने दो पिक्चर बनाई है आपको उनकी नेम यहाँ पर लिखना है, और जो नाइट में आपने दो पिक्चर्स बनाई है आपको उनके नेम्स यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो डे के अंदर आपने क्या बनाया था, फॉर एग्जाम्पल आपने सन या बर्ड्स बनाए होंगे, जैसे कि मैंने सन और बर्ड बनाए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, सन बर्ड्स, ठीक है। और रात को जैसे कि मैंने मून और स्टार्स की पिक्चर्स बनाई थी, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मून stars, okay? Now we have done this question here. Let's come to the our next section, which is team time. तो इसके अंदर देखते हैं क्या है। इसके अंदर हमारे पास एक beautiful सी poem है, dinner, ठीक है। This is mud. A big fat worm lives in the mud. A leaf falls in the mud. It is the worm's dinner, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब हो जाता है, जो डिनर हमारी जो पोम है ये एक किसके ऊपर बेस्ड है, ये एक वॉर्म के ऊपर बेस्ड है। ये जो वॉर्म यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये इसके ऊपर बेस्ड है। दिस इज मड, मड मतलब होता है कीचड़, मतलब मिट्टी। ये जो है मड है। अ बिग फैट वॉर्म लिव्स इन द मड, एक बड़ा सा और एक फैटी सा वॉर्म जो है वो मड के अंदर रहता है, मतलब कीचड़ या मिट्टी के अंदर रहता है। A leaf falls in the mud. It is the worm's dinner. अब जो एक लीफ है वो किसके ऊपर गिर जाती है, वो किस में गिर जाती है, वो मड के अंदर, मड में गिर जाती है। तो वो जो लीफ होगी वो वॉर्म का डिनर बन जाएगी, मतलब वॉर्म की मील बन जाएगी डिनर के लिए, राइट। दैट्स आर पोम, दैट वॉज आर पोम। Form group, tell each other an interesting thing you have seen in the garden one day. तो आपको करना क्या है, आपको अपने पार्टनर्स के साथ ग्रुप में बैठना है और उनको ये चीज आपको बतानी है, एक इंटरेस्टिंग सी चीज आपको बतानी है जो आपने एक बार कभी गार्डन के अंदर देखी थी। अब गार्डन के अंदर तो सारी ही चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं और अलग अलग तरीके की बर्ड्स होती हैं, पैरट्स होते हैं, कभी कभी आपको पिकॉक भी देखने को मिल जाता है गार्डन्स में, और अगर बहुत अच्छा गार्डन है तो वहाँ पर आपको फाउंटेन देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, इंटरेस्टिंग सी चीज़ें होंगी जो आपने गार्डन्स के अंदर देखी होंगी या फिर किसी एक पर्टिकुलर गार्डन के अंदर देखी होगी, तो आपको वो एक दूसरे को बताना है, ठीक है। टेल ईच अदर मतलब अपने पार्टनर्स को आपको शेयर करना है कोई भी इंटरेस्टिंग सी चीज, जैसे कि आपका पार्टनर बोलेगा नहीं मैंने तो एक फाउंटेन देखा था, एक ब्यूटीफुल सा फाउंटेन था एक गार्डन में जब मैं गया था। अब कोई दूसरा आपका पार्टनर बोलेगा अरे मैंने तो बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से फ्लावर देखे थे, वहां पे मैरीगोल्ड भी था, वहां पे रोजेस भी थे अलग अलग तरीके के, है ना। तो और कोई और फ्रेंड आपका कुछ और इंटरेस्टिंग चीज बताएगा, तो आपको ये ग्रुप के साथ करना है। नाउ इट्स सॉन्ग टाइम, दिस इज सॉन्ग टाइम। तो इसके अंदर हम एक सॉन्ग गाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सॉन्ग है। आई लाइक टू सिंग वेन द सन इज शाइनिंग, तरालाला तरालाला। आई लाइक टू सिंग वेन द सन इज शाइनिंग, तरालाला तरालाला। तो इसके अंदर एक सॉन्ग है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ टू लाइन्स है, बट बड़ा ही अच्छा सा सॉन्ग लग रहा है। तो इसमें जो बच्चा कह रहा है वो ये कह रहा है कि मुझे गाना पसंद है जब सन शाइन करता है, ठीक है, जब सन शाइन करता है तब मुझे सन की शाइनिंग में गाना गाना पसंद है, ठीक है। तो वो यही लाइन को रिपीट कर रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, थैंक यू सो मच।